हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, काफी दिन के बाद आपकी क्लास आ रही है, लेकिन इस क्लास के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव जो मैंने किया है, बहुत सारे बच्चों को मेरे से शिकायत रहती थी कि सर वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम है ना, कभी कभी बाहर का शोर भी आ जाया करता था। तो अब वो परेशानी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, अब कोई शोर आपको नहीं आएगा। वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है, वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। इस लेक्चर में हम बेसिकली चैप्टर वन का पार्ट थर्ड कवर करने वाले हैं, पार्ट थर्ड, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट और रह जाएगा और चैप्टर ये हमारा फिनिश हो जाएगा। अब इसमें हमारे चार मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जनरल डिजाइन कंसिडरेशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सामान्य अभिकल्पन विचार। जब भी हम किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, किसी भी चीज को जब हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे जनरल डिजाइन कंसंट्रेशन के इस टॉपिक में आते हैं। हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस किस प्रकार का लोड उस बॉडी पर लगने वाला है, उस पार्ट पर लगने वाला है जो हम डिजाइन कर रहे हैं, तो वो सारी ही चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ लेंगे, जनरल डिजाइन कंसंट्रेशन में, ठीक है, सामान्य अभिकल्पन विचार में। दूसरा टॉपिक है कोड्स एंड स्टैंडर्ड, कोड और मानक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें BIS के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ISO के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का चयन। जो मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी पार्ट के लिए, वो किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, ये हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है। सारा वो सब कुछ हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसंट्रेशन इन डिजाइन, ठीक है। डिजाइन में एर्गोनॉमिक्स और सौंदर्य संबंधी विचार, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसका अच्छा दिखना भी जरूरी होता है एज कंपेयर टू उसका काम करना। जिस काम के लिए उसको बनाया है, ठीक है, वो तो वो करे, अपना जो काम है, जो डिजाइन आपने जिस काम के लिए बनाया है, वो काम तो वो करे, लेकिन उसके साथ साथ उसका अच्छा दिखना भी जरूरी है। क्योंकि अगर वो चीज अच्छी नहीं दिख रही तो मार्केट में कोई नहीं लेने वाला उसको, तो इसलिए उसका दिखना, अच्छा दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस जो है चैनल पर आपको सभी मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं पॉलिटेक्निक के, मशीन डिजाइन आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, जो पहला हमारा टॉपिक है वो है जनरल डिजाइन कंसंट्रेशन, सामान्य अभिकल्पन विचार। हिंदी और इंग्लिश बहुत चलता है, ठीक है, दोनों चलेगा, बाइलिंगुअल चलेगा। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आप देख पा रहे होंगे, वो है टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज बाय द लोड, ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज बाय द लोड। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है इसमें दो चीजों की बात की गई है बच्चों, ठीक है, लोड की और स्ट्रेस की। बेसिकली क्या है कि हमने जो भी पार्ट बनाया उसमें किस किस प्रकार के लोड लगेंगे, किस किस प्रकार की स्ट्रेस लगेगी, और क्या वो उस स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है, झेल सकता है, क्या उस लायक आप डिजाइन बना रहे हैं अपना, ये किस पॉइंट में हमें देखना होता है, ये हमें फर्स्ट पॉइंट में देखना होता है, ठीक। तो द लोड ऑन द मशीन कॉम्पोनेंट में एक्ट इन सेवरल वेज ड्यू टू विच द इंटरनल स्ट्रेसेस आर सेट। क्या बोल रहा है? मशीन घटक पर भार कई तरह से कार्य कर सकता है जिसके कारण आंतरिक तनाव सेट हो जाते हैं। तो मशीन के ऊपर कई तरह से लोड लग सकता है भाई, एक ब्रिज बनता है उस पर हॉरिजॉन्टल लोड भी लग सकता है, उस पर वर्टिकल लोड भी लग सकता है, समझ रहे हैं ना। एक आपने सपोज एक ब्रिज बनाया तो उस पर वर्टिकल लोड भी लग रहा है, उस पर हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा है। तो हमें ये सारी चीजें पहले ही अपने डिजाइन में सेट करनी होती है। दूसरा पॉइंट आता है मोशन ऑफ पार्ट्स में क्या बोल रहा है कि जो हमारा पार्ट है वो किस प्रकार से मोशन करेगा। सपोज व्हील है तो व्हील क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है। कोई गियर है तो वो क्या होगा? लीनियर मोशन करेगा, आगे पीछे होगा, ठीक है। तो हर पार्ट का एक अपना पर्टिकुलर मोशन होता है बच्चों, है ना, हर पार्ट एक अपने मोशन के तरीके से काम करता है। जैसे सपोज मेरा हाथ है, इसके अपने अपने जॉइंट्स हैं, अलग अलग जॉइंट्स हैं। देखो ये जॉइंट है, ये 360 घूम रहा है और 180 भी घूम रहा है,
ठीक है, ये इतना घूम रहा है, किसी किसी का हाथ पूरा घूम जाता है पीछे। अब ये वाला जो जॉइंट है मेरा, देखो ये कितना घूम रहा है, सिर्फ 180 डिग्री घूम रहा है। लेकिन अगर ये 360 घूमता तो क्या होता, मेरा हाथ घूम करके वापस आ जाता। लेकिन क्या है, हर जॉइंट को एक पर्टिकुलर वे में डिजाइन किया गया है। मेरा ये शोल्डर का जो जॉइंट है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये 360 घूम सके। ठीक है, तो हर जॉइंट का अपना एक महत्व है, हर जॉइंट की अपनी एक जगह है, और हर जॉइंट का अपना एक काम है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एनी मशीन डिपेंड्स लार्जली अपॉन द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स व्हिच विल गिव यू रिक्वायर्ड मोशन। ठीक है, तो क्या है, किसी भी मशीन का सफल संचालन काफी हद तक भागों की सरलतम व्यवस्था पर निर्भर करता है जो आपको आवश्यक गति प्रदान करेगा। अगर आपने किसी पार्ट को डिजाइन किया है रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, एक सीधे मोशन के लिए, तो वो सीधा ही मूव करना चाहिए, वो घूमना नहीं चाहिए। अगर वो घूम रहा है तो वो मोशन भी गलत करेगा, और जिस काम के लिए आपने उसको बनाया है वो काम भी वो नहीं करेगा, तो क्या होगा, गड़बड़ होगा, फेलियर होगा, मशीन में फेलियर होगा। फेलियर पढ़े ना, लास्ट लेक्चर में फेलियर्स पढ़ाया आपको। दूसरा, कर्वीलीनियर, वक्रीय, घूमने वाला, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, स्थिर गति में, और फोर्थ, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल एक्सीलरेशन, स्थिर या परिवर्तनशील त्वरण। भाई स्थिर और परिवर्तनशील, यानी कि कभी तो आप बाइक चलाते हैं, भाई हमारी उम्र में है ना, जब हम 18-19 साल के थे तो जब हम बाइक चलाते थे तो हमें स्टंट करने का बड़ा शौक था, हम स्टंट करते थे। स्टंट करने से क्या होता था, हम पहले तो धीरे धीरे बाइक को चलाते थे, फिर एकदम से एक्सीलरेट करते थे बाइक को, जिसको व्हीली मारना बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोग भी बहुत लोग करते होंगे, लेकिन करना नहीं, चोट लग जाती है ना। तो क्या होता था कि हमने अभी तो स्थिर चलाई और एकदम से क्या किया, हमने वेरिएबल एक्सीलरेशन दिया उसे, एकदम से उसकी गति में परिवर्तन कर दिया। तो आपकी जो बाइक है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि उसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी मिल सके तब भी काम करे, और अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन मिल रहा है तो ऐसा नहीं आपने वेरिएबल एक्सीलरेशन दिया और आगे का पहिया निकल गया, आप खड़े रह गए एक टायर लेकर के, नहीं, आप क्या है, आपकी बाइक उसके लिए डिजाइन की गई है, उसके लिए वो तैयार है। आगे देखते हैं बच्चों, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखो पदार्थ का चयन जब किया जाता है, किसी भी पदार्थ को जब चुना जाता है किसी भी पार्ट के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ही बना होता है। क्या है, देखो सपोज ये मार्कर है, तो ये मार्कर जो है प्लास्टिक से बनाया गया। क्यों क्यों बनाया गया प्लास्टिक से, ताकि ये हल्का रहे, इसमें किसी तरह का लोड नहीं पड़ना ना, जो लोड हाथ का है वो बहुत कम है तो ये झेल सकता है, सस्टेन कर सकता है, उसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है। अब अगर इसी मार्कर को हम लोहे का बना दें या किसी ऐसे मटेरियल का बना दें जो कि बहुत भारी है, तो क्या टीचर पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, पढ़ाते हुए ये पैर पर गिर गया तो कुछ भी हो सकता है ना, इंसिडेंट भी हो सकता है। तो क्या कंपनी ने क्या सोचा कि भैया जब मार्कर बनाया जाए तो मार्कर बहुत ही हल्के मटेरियल का बनाया जाए, उससे क्या होगा, वजन भी कम हो गया, फिर ये सस्ता भी हो गया। अगर ये लोहे का बनाओगे तो महंगा हो जाएगा, भारी हो जाएगा ना, मटेरियल भी महंगा हो गया, तो सस्ता भी करना था, सस्ता भी हो गया, और जिस काम के लिए इसको बनाया गया यानी कि लिखने के लिए, वो काम ये बहुत अच्छे से कर रहा है ना, बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है, देखो एवरी मशीन डिजाइन इंजीनियर शुड हैव अ थ्रू नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल एंड देयर बिहेवियर अंडर वर्किंग कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मशीन डिजाइन इंजीनियर को काम के विचाराधीन सामग्री के गुणों और उनके व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको ये नहीं पता है, जो डिजाइन इंजीनियर है, वी आर इंजीनियर्स, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे जाकर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के दौरान रखा जाता है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब देखिए फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट, यानी कि जो पार्ट आप बना रहे हैं वो दिखने में कैसा होगा। ठीक है, और उसका साइज क्या होगा। भाई मार्कर है, दिखने में कैसा है, राउंड है, गोल है, और कितना बड़ा साइज है, भाई इतना बड़ा साइज है। अगर मार्कर आपका ये स्क्वायर में बना देते
और इतना बड़ा बना देता या इतना मोटा बना देता, क्या मैं लिख पाता? नहीं, इस तरीके से लिखना पड़ता भाई, ऐसे काम चलता नहीं चलता, ठीक है? तो उस चीज को क्या है, पर्टिकुलरली एक चीज को उसके काम के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है? जिसे आप देखते हैं लैपटॉप का माउस, माउस माउस सबने इस्तेमाल किया होगा, है ना? तो माउस किस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आप उसको हाथ में पकड़ के मूव कर पाए, ना तो आपकी फिंगर्स में दर्द हो ना ही आपके हाथ में दर्द हो। तो हर चीज को बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया जाता है। तो क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी टू नो द न्यू नो मी फोर्सेस विच द पार्ट मस्ट सस्टेन। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो फोर्सेस उस पर लगने वाली हैं वो कितनी तरह की फोर्सेस होंगी और कहां कहां से लगेंगी। सबसे पहले भाई आपने पानी में किसी चीज को डाला तो पानी तो फोर्स चारों तरफ से लगाएगा ना, तो आपने जो भी चीज डिजाइन करनी है पानी में डालने के लिए, ठीक है, आपको ये तैयार होना चाहिए आपकी उस चीज को कि वो पानी की फोर्सेस को झेल सके, अदरवाइज क्या होगा, वो फट जाएगी, ठीक है? तो एनी सडनली अप्लाइड और इंपैक्ट लोड मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन विच मे कॉज फेल। यानी कि उन ताकतों को जानना आवश्यक है जिनके भाग को बनाए रखना चाहिए। किसी भी अचानक लागू या प्रभाव भार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वो विफल हो सकता है। तो कहीं से भी अचानक से भी अगर फोर्स लगती है तो आपका पार्ट उसको सस्टेन कर पाए, उसको झेल पाए, इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल डिजाइन माना जाता है। अदरवाइज डिजाइन में फेलियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब एक बल्ब बनाया गया था तो कितने डिजाइंस बनाए गए थे, कितनी बार उसकी ट्राई की गई थी, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, 99 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? और कौन सा एक्सपेरिमेंट पास हुआ, 100th, यानी कि 100वां एक्सपेरिमेंट। तो जब कोई चीज बनती है तो उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है? जब आगे आप जॉब करेंगे, है ना, आप में से कोई डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, है ना, डिजाइनिंग फील्ड में जाएगा, तो आप देखेंगे कि आप रिसर्च कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कई महीनों तक तो आप पढ़े जा रहे हैं उस चीज के बारे में, ठीक है ना? ऐसे उस तरीके से चीजें डिजाइन की जाती हैं। अब सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर यानी कि जो इंसान उसको चला रहा है उसकी जान की वैल्यू है, चाहे वो एक गाड़ी क्यों ना हो। एक गाड़ी भी अगर एक इंसान चला रहा है तो कंपनी सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देती है, सेफ्टी पर। तभी तो गाड़ियों में क्या लगाए जाते हैं, बताओ, सेफ्टी के लिए क्या लगाए जा रहे हैं, अब क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही है सेफ्टी के लिए कार्स में। भाई सबसे पहले तो क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एयरबैग्स, दूसरा सेंसर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना, और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, है ना, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। तो कितनी सारी चीजें सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जा रही है गाड़ी में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलार्म्स हैं, सेफ्टी अलार्म्स हैं गाड़ी के अंदर। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इनके वीडियोस दिखाऊंगा, है ना, शॉर्ट्स के रूप में इनके वीडियोस बना करके डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ लगी होती है। हमें नहीं पता होता कि हमारी मशीन में कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, हमें नहीं पता होता गाड़ी का कि भैया गाड़ी में जो है वो रेडिएटर कहाँ लगा हुआ है, गाड़ी में कंप्रेसर कहाँ लगा हुआ है। बस हमने पढ़ा है कि कंप्रेसर नाम की कोई चीज़ होती है, कंप्रेसर लगा हुआ कहाँ है पता नहीं, है ना। तो जब आप उन चीज़ों को देखते हैं तब आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये चीज इस तरीके से यहां पे काम कर रही है। तो उसको शॉर्ट्स के रूप में जरूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है? अब देखो, बात ये कर रहे हैं हम सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर की, तो सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर बहुत जरूरी है, एक इंसान की जान बचानी है ना भैया। जो गाड़ी चला रहा है ये इंसान जो कि बहुत खुश है, इसको बचाना है नहीं बचाना है, नहीं तो ये तो मर जाएगा अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया। तो इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है बच्चों, ठीक है? ए मशीन डिजाइनर शुड ऑलवेज प्रोवाइड सेफ्टी डिवाइसेस फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर। और सेफ्टी डिवाइसेस कौन सी हैं? ये सब सेफ्टी डिवाइसेस हैं, सब सेफ्टी डिवाइसेस हैं ये, ठीक है? तो एक मशीन डिजाइनर को हमेशा हमेशा ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। अब बहुत कुछ आ रहा है कार्स में, अब जो कार्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं, बहुत कुछ है उनमें, क्यों? क्योंकि ताकि जो ऑपरेटर है उसको सेफ्टी मिले। आगे देखते हैं, यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, ठीक है? आपने एक चीज सुनी होगी, जुगाड़ बहुत चलता है ना, जुगाड़ कर दो भैया, जुगाड़ कर दो, नहीं, आप रिस्क नहीं ले सकते मशीन्स में। तो हमेशा जो स्टैंडर्ड पार्ट है,
जिसकी वहां पर जरूरत है उसी स्टैंडर्ड पार्ट का आप यूज करेंगे और उसी स्टैंडर्ड पार्ट को वहां पर लगाएंगे, जैसे आपने सुना होगा और सबके साथ होता है। ज्यादातर आप लोग के पास बाइक होगी, तो जब आप बाइक की सर्विस कराने जाते हैं तो वो आपसे बोलता है कि भैया आपकी जो बाइक है उसके ब्रेक पैड जो है वो खत्म हो गए, ब्रेक पैड नहीं चलेंगे अब। और ब्रेक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, पैरों से तो रोकोगे नहीं, है ना, हम पापा की परी है तो नहीं है ना जो पैरों से स्कूटी रोक लेंगे, नहीं रोक सकते। वो जो एबिलिटी है वो उन्हीं के पास है, बस हम नहीं रोक सकते वो चीज़, है ना। हम तो पापा के मगरमच्छ हैं तो हम तो उड़ जाएंगे स्कूटी से बाइक से। तो देखो होता क्या है कि वो हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, हम तो सोचते हैं कि यार थोड़ा और चला लेते हैं। हम कहते हैं भैया अभी एक काम करो, साफ करके लगा दो, हम इसको बाद में डलवा लेंगे, और फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमें ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड पार्ट में अगर दिक्कत आ गई, हमारे ब्रेक पैड खत्म हो गए, तो हमें वो चेंज कराने हैं, वो रिप्लेस कराने हैं, ठीक है। अब देखो, द यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट आर क्लियरली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट सिमिलर पार्ट मेड टू ऑर्डर। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है मानक भागों का उपयोग स्पष्ट रूप से मशीन की लागत से संबंधित है, क्योंकि मानक भागों की लागत ऑर्डर करने के लिए बनाए गए समान भागों की लागत का केवल एक अंश है। भाई जितना स्टैंडर्ड पार्ट आप यूज करेंगे उतनी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, कॉस्ट बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। आप सेफ्टी की बात सोच रहे हैं, सेंसर्स बढ़ेंगे, सेफ्टी डिवाइसेस बढ़ेंगी, तो इसी प्रकार से क्या होता है आपकी कुछ कॉस्ट में वेरिएशन होता है, कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर्स, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर्स यानी कि अब मैंने अगर कोई चीज़ बनाई तो वो कोई भी इस्तेमाल कर सके, ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरी बनाई हुई चीज़ मैं ही इस्तेमाल कर सकूँ और किसी की समझ में ही नहीं आ रही, मैंने ऐसी बाइक बना दी जो मैं ही चला सकता हूँ, भाई उसके ब्रेक कहाँ हैं, उसके ब्रेक जो हैं वो ऐसी जगह लगा दिए किसी को मिलेंगे ही नहीं, ढूंढ कर दिखाओ कोई चलाएगा वो बाइक, नहीं चलाएगा, है ना, कोई पागल ही होगा जो चलाएगा। तो क्या है कि ऐसी चीज़ हमें डिज़ाइन करनी है जो कि हर पर्सन उसको चला सके, तभी तो वो मार्केट में बिकेगी, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा ना, कोई रिस्क क्यों लेगा कि मैं ही इसके ब्रेक ढूंढूंगा, नहीं मिले तो, ठीक है ना। The operation features of the machine should be clear, careful studied. The starting, controlling and stopping levers should be located on the basis of convenient handling. देखो वही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मशीन की संचालन विशेषता का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए, स्टार्टिंग कंट्रोलिंग और स्टॉपिंग लीवर कन्वीनियंट हैंडलिंग के आधार पर स्थित होने चाहिए। भाई स्टार्टिंग जहाँ पे वहाँ हो, स्टॉपिंग भी हो, कंट्रोलिंग भी हो, और किसी भी मशीन में तभी आपको जाना चाहिए या उसको स्टार्ट करना चाहिए जब आपको उसको रोकना आता हो। ऐसा नहीं कार स्टार्ट, पापा की गाड़ी आज मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, स्टार्ट कर दी, गियर डाल दिया और कूद गए, वो नहीं। अगर आपने स्टार्ट किए तो आपको रोकने भी आनी चाहिए, आपको ब्रेक लगाने आने चाहिए, ठीक है ना। तो इस वही चीज़ की बात यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका 8th, वर्कशॉप फैसिलिटीज। वर्कशॉप फैसिलिटीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेसिकली वर्कशॉप से रिलेटेड है ये पॉइंट, ठीक है। कहां से रिलेटेड है, वर्कशॉप से रिलेटेड है। तो इंजीनियर शुड बी फेमिलियर लिमिटेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयज वर्कशॉप टू अवॉइड नेसेसिटी ऑफ हैविंग वर्क डन इन सम अदर वर्कशॉप। क्या बोल रहा है, किसी अन्य कार्यशाला में काम करने की आवश्यकता से बचने के लिए इंजीनियरों को अपने कर्मचारियों की कार्यशाला की परिचित सीमा होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, किसका क्या काम है आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी टीम में कौन वेल्डिंग अच्छा करना जानता है ये पता होना चाहिए, आपकी टीम में कौन अच्छा डिज़ाइन करना जानता है ये पता होना चाहिए, आपकी टीम में कौन ऐसा डिज़ाइनर है जिसको सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें की नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी होती है, इसी को हम वर्कशॉप फैसिलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। कि आपको आपके टीम मेंबर्स के बारे में पता है कि किसको कितना आता है और किसको क्या काम आता है और किसका क्या नाम है, ठीक है। भाई इंडस्ट्रीज में बात ऐसे नहीं होती ना, ओए इधर आओ, नहीं ऐसे नहीं होती, नाम से होती है सर प्लीज, है ना, इस तरीके से, तमीज से। असेंबली, असेंबली ये फाइनल पार्ट है, फाइनल लोकेशन है असेंबली, बेसिकली जोड़ना,
सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ना, उसको असेंबली बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर अलग अलग पार्ट्स बनाए, उन सबको आपस में मिलाया, एक गाड़ी बना दी, असेंबल, असेंबली हो गई। ठीक है, द फाइनल लोकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड डिजाइन इंजीनियर मस्ट एंटिसिपेट एग्जैक्ट लोकेशन एंड लोकल फैसिलिटीज ऑफ इरेक्शन। क्या बोल रहा है कि अंतिम स्थान महत्वपूर्ण है और डिजाइन इंजीनियर को निर्माण के लिए सटीक स्थान और स्थानीय सुविधाओं का अनुमान लगाना चाहिए, कौन सा पार्ट कहां पर फिट हो सकता है अच्छे से। यह बात किसको पता होनी चाहिए, एक अच्छे डिजाइनर को पता होनी चाहिए, एक अच्छे इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम आपका कोड एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, कोड एंड स्टैंडर्ड, कोड और मानक। अब देखो यहां पे एक चीज लिखी हुई है BIS। ठीक है, सबको दिख रहा है BIS, छोटा सा लिखा हुआ है BIS। सबसे पहले ये देखो, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है BIS की। ठीक है, तो BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी सिर्फ फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। ठीक है, ये क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो डेवलपमेंट होता है उन एक्टिविटीज का, जो कौन सी एक्टिविटीज हैं, जो स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करती हैं। ठीक है, जो मानक पे काम करती हैं, उन एक्टिविटीज के जो डेवलपमेंट है उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं कोड और स्टैंडर्ड की, यानी कि कोड और मानक की। देखो दो लाइन में खत्म करें कोड और स्टैंडर्ड को, दो लाइन में बस कोड और स्टैंडर्ड को दो लाइन में खत्म कर देते हैं। क्या है, हमने लिखा भाई कोड और हमने लिखा स्टैंडर्ड। ये लिखा कोड क्या चीज है, कोड, कोड क्या चीज है, कोड कह रहा है आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कौन बता रहा है, कोड। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसे करना है, तो भाई ये तो दो दोस्त हो गए, ये तो दोनों दोस्त हैं, एक बता रहा है कि आपको करना क्या है और दूसरा बता रहा है कि आपको कैसे करना है। बेसिकली आपके दो टीचर्स हैं, जो एक टीचर बता रहा है कि तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियर बनना है और दूसरा टीचर बता रहा है कि आपको कैसे बनना है। तो कोड और स्टैंडर्ड क्या है, एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो उसका, क्या है एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि प्रॉब्लम है एक बिल्डिंग है, एक क्या है, बिल्डिंग है भैया। अब सिविल वाले बड़े खुश, इन्होंने बना दी एक बिल्डिंग, अब सिविल वाले बहुत खुश, हमने बनाई है बिल्डिंग बड़ा भारी, कोई बात नहीं। अब जब ये बिल्डिंग बना दी और खुशी उड़ा रहे हैं, बिना मैकेनिकल इंजीनियर्स के बिल्डिंग बना दी हमने, हमने कहा अच्छा, जब हम इस बिल्डिंग में पहुंचे हमने कहा भैया अगर बिल्डिंग में आग लग गई कैसे बुझाओगे, अब ये चुप सिविल वाले सब, अरे ये तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। तो हमने कहा टेंशन मत लो, हम हैं ना मैकेनिकल इंजीनियर्स, हम सॉल्यूशन देते हैं इस बात का। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, आग लग गई तो अब क्या करना है, फायर अलार्म लगाने हैं। तो फायर अलार्म लगना है, क्या करना है, फायर अलार्म लगाना है, कैसे करना है ये तो पता ही है, क्यों करना था, क्योंकि आग लग गई तो भैया बुझानी भी तो है, और उसकी कंडीशन सेट करनी है कि फायर अलार्म है वो तो जब आग लगे तभी बजे, जब आग लगे तभी बजे, ऐसा ना हो पहले ही बज रहा है, किसी ने बटन दबा दिया फायर अलार्म बजना शुरू हो गया, वो भी एक कंडीशन होती है।
लेकिन वो ऑटोमेटिकली कब बजे, जब आग लग जाए। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज आती है, जैसे हम देखते हैं बिल्डिंग में एक्सटिंग्यूशर्स लगे रहते हैं, कॉलेज में भी लगे रहते हैं, आप देखना अगर कल कॉलेज जाओगे तो अपने कॉलेज जाके देखना एक्सटिंग्यूशर लगा होगा, आग बुझाने वाला, लाल लाल कलर के सिलेंडर लगे होते हैं दीवारों पर। क्यों लगे? ताकि आग लग जाए तो हम उसका इस्तेमाल कर सके। क्यों कर सके? आग बुझाने के लिए। ठीक है, तो हर चीज का क्या है, कोड और स्टैंडर्ड है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड, उसका जिक्र इसमें आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ISO। क्या बोलते हैं? ISO क्या चीज है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए सभी लोग, एग्जाम में पूछ लेता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये छोटी छोटी बातें आपसे दो नंबर में पूछ लेता है, एक नंबर में पूछ लेता है, हमारे दिमाग में नहीं आती। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, उसी को पढ़ते हैं पहले। देखो क्या बोल रहा है कि द वन वे ऑफ लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड स्टैंडर्ड इज दैट अ कोड टेल यू व्हाट यू नीड टू डू एंड स्टैंडर्ड टेल यू हाउ टू डू इट। यानी कि कोड और मानक के बीच के अंतर को देखने का एक तरीका यह है कि एक कोड आपको बताता है कि आपको क्या करना है और एक मानक आपको बताता है कि इसे कैसे करना है। ठीक है, ए कोड इज ए मॉडल अ सेट ऑफ रूल्स दैट नॉलेजेबल पीपल रिकमेंड फॉर अदर टू फॉलो। इट इज नॉट अ लॉ बट कैन बी अडॉप्टेड इनटू लॉ। यानी कि एक कोड एक मॉडल है, नियमों का एक सेट है जो जानकार लोग दूसरों को पालन करने की सलाह देते हैं। ये कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन इसको कानून में अपनाया जा सकता है, इसको कानून में अपनाया जा सकता है। ठीक है भाई, कंपनी आपके घर के कुछ रूल्स हैं कि घर के अंदर हमें स्लीपर लेकर के नहीं आने, तो कोई लॉ तो नहीं है, लेकिन एक घर का लॉ बना दिया गया कि चप्पल आने ही नहीं चाहिए अंदर, तो कानून बन गया ना। ठीक है, तो ये क्या है, कोड कोई किसी तरह के लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन इसको लॉ की तरह अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, कोड इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस और प्रोसीजर फॉर द डिजाइन एनालिसिस टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कंपोनेंट अ सिस्टम और अ प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि कोड एक घटक, एक प्रणाली या उत्पाद के डिजाइन विश्लेषण परीक्षण और निर्माण के लिए विशेषताओं या प्रक्रियाओं का सेट है। ठीक है, अ स्टैंडर्ड टेंड्स टू बी मोर डिटेल्ड इलेबोरेशन। तो स्टैंडर्ड क्या दे रहा है? बहुत डिटेल्ड इलेबोरेशन दे रहा है, क्योंकि वो आपको क्या बता रहा है, करना कैसे है। कोड ने तो सिर्फ ये बता दिया ये करना है, स्टैंडर्ड क्या करना है, करना कैसे है। ठीक है, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ मीटिंग अ कोड। ठीक है, तो ये क्या है, एक नट और बोल्ट की तरह है आपस में। ठीक है, नट के बिना बोल्ट बेकार है, बोल्ट के बिना नट बेकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आगे कुछ और इसके बारे में लिखा हुआ है डिटेल्स, कि ये क्या है, प्रोसेस है एस्टेब्लिशिंग द सेट ऑफ नॉर्म्स टू विच अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपोनेंट और प्रोडक्ट शुड कंफर्म। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान एक कोड स्टैंडर्ड में रखा जाता है, डायमेंशंस का, शेप का, टॉलरेंस का, सरफेस फिनिश, मटेरियल्स का, मेथड ऑफ टेस्टिंग का, मेथड ऑफ यूज का, मेथड ऑफ पैकिंग का एंड स्टोरिंग का। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों का ध्यान किस में रखा जा रहा है, कोड स्टैंडर्ड में रखा जा रहा है। अब पढ़ेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस, इसके कुछ लाभ। सबसे पहला लाभ क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स बिकम पॉसिबल, यानी कि अवयवों की इंटरचेंजेबिलिटी संभव हो जाती है। ठीक है, दूसरा, इजी एंड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट इज पॉसिबल, तो अवयवों को आसानी से तथा शीघ्र बदलना संभव होता है, किसी भी पार्ट को आप मशीन के आसानी से बदल सकते हैं अगर वो अच्छे से डिजाइन की गई है। ठीक है, आपको उसे पूरा खोलना नहीं पड़ेगा। तीसरा, दिस लीड्स टू सक्सेसफुल कॉस्ट रिडक्शन, इससे सफल लागत में
कमी आती है, ठीक है। चौथा, समटाइम्स इज ऑल्सो एंश्योर सेफ्टी, कभी कभी ये सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड क्लासेस रेगुलर रहेंगे, अब आपकी कोई गैप नहीं होने वाला है, जो काम था वो हो गया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तीनों कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल तीनों स्टैंडर्ड डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बच्चों मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।